मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को राहगीरी की शुरुआत की है। स्वस्थ रहने के लिए सुबह सड़कों पर लोग निकले और जब और व्यायाम करें, इसके लिए राहगीरी का आयोजन किया गया। सुबह 7:30 बजे करीब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तरणताल पर घंटी बजाकर राहगीरी का शुभारंभ किया। इस आनंद उत्सव में विदेशी सैलानी भी शामिल हुए। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए कहा कि 22 जनवरी को हम पूरे भारत के साथ सेलिब्रेट करेंगे। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार 14 जनवरी और 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इंदौर में भी मकर संक्रांति का पर्व प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं बाड़खंगा कुंड मैदान पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे और वहाँ मौजूद बच्चों और महिलाओं के साथ कई तरह के खेलों का लुत्फ उठाया। 25 जनवरी को देश के 8 करोड़ नव मतदाताओं में चिन्हित 50 लाख मतदाताओं का महासम्मेलन आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 25 जनवरी को मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में 2 नव मतदाता सम्मेलन आयोजित होंगे। इस तरह से मध्य प्रदेश में 460 स्थानों पर नव मतदाता सम्मेलन होगा, जिसमें 18 से 23 वर्ष के 5 लाख व नव मतदाताओं के शामिल होने का लक्ष्य है। उज्जैन के आकर रोड पर पश्चिम रेलवे के मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। आगर रोड स्थित मकोड़िया आम नाके पर रेलवे द्वारा 175 करोड़ रुपए की लागत से अपना मध्य प्रदेश का पहला प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा, जिसका पहले चरण में 67 करोड़ की लागत से होने वाले निर्माण का भूमि पूजन CM डॉक्टर यादव ने किया है। प्रशिक्षण संस्थान में पश्चिम रेलवे के सभी 6 मंडलों के 500 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए एक साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया की मारुति नंदन सेवा समिति छिंदवाड़ा में 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव का आयोजन कर रही है। श्री राम महोत्सव समिति छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले के सभी मंदिरों में राम नाम पत्रक वितरित कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु राम नाम लिखेंगे। आयोजक समिति इस राम नाम पत्रक को अयोध्या भेजेगी। इस आयोजन में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम नाम पत्रक बांट रहे हैं और राम नाम लेखन का आग्रह कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ ने मारुति नंदन सेवा समिति के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य राम कथा और पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण का आयोजन करवाया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।